नमस्कार, माय डॉक्टर साढ़वाई चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपका हेल्थ एडवाइज़र डॉक्टर योगेश माणिक। जिंदगी में चढ़ उतार तो आते ही रहते हैं। आज की इस फास्ट लाइफस्टाइल में टेंशन तो हर एक को है, लेकिन कुछ लोग तो इतना टेंशन लेते हैं कि उस टेंशन की वजह से उनके जीवन का आनंद खत्म ही हो जाता है। उनके जीवन में उत्साह नहीं होता और जीने की आशा खत्म हो जाती है। वो हमेशा ही अपने ही विचारों में खोए रहते हैं। बार बार अपने ही विचारों में खोए रहने से क्या होता है कि आप ओवर थिंकिंग इस समस्या का शिकार भी हो सकते हैं। ओवर थिंकिंग करने वालों में निगेटिव थॉट्स ज़्यादा पाए जाते हैं। आप इससे निगेटिव थॉट्स के जलजले में फंस सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि ओवर थिंकिंग निगेटिव थॉट्स से आप कैसे बच सकते हैं और उस जलजले से बाहर निकलने के लिए आपको मैं 6 टिप्स भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला है, अपने अधूरे कामों को पूरा करें। अपने अधूरे काम क्या करें कि ढूंढ निकालें, अधूरे कामों को पूरा करें। जब आप बेकार के समय में बैठे रहते हैं, वो सोचते रहते हैं, उस समय क्या करें कि अधूरे कामों को पूरा करें, या फिर अधूरे काम अगर पूरे हो जाए तो नया काम निकाले, नया काम निकाल कर उसे पूरा करते ले, लेकिन हमेशा बिजी रहे। इससे क्या होता है कि आगे का काम करने में आपको ऊर्जा मिलती है। दूसरा उपाय है हॉबीज। हॉबीज आपका शौक जो है वो इस समय का इस्तेमाल आपका शौक पूरा करने में लगाइए। उससे क्या होगा कि आपका दिमाग सक्रिय रहेगा और आपके दिमाग में निगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। हॉबीज कोई भी आप हॉबीज कर सकते हैं। गाना सुन सकते हैं, डांस कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, या कौन सा भी आपका हॉबीज है। बुक रीडिंग हॉबीज है, गाड़ी चलाना सीखना आपका हॉबी हो, कोई भी आपका जो हॉबी है उसे पूरा करें। तीसरा है, अपना गोल सेट करें और उसे पूरा करने का कोशिश करें। एक गोल सेट करें कि एक टाइम लिमिट में मुझे ये करना है, ये वो करना है, वो लिख के रखें कागज पर, वो लिख के रखें कि इतने साल बाद मुझे गाड़ी लेनी है, इतने साल बाद मुझे बंगला लेना है, या फिर मुझे विदेश घूमना है, इतने देशों को घूमना है, या फिर आप लिख के रखिए मुझे इतनी किताबें पढ़नी है, उतनी किताबें पढ़नी है। ये सब लिख के रखिए, गोल सेट करें और गोल को आपका पूरा करने के लिए हमेशा ही कार्य करते रहें। चौथा है, मेडिटेशन और योगा। टेंशन को दूर करने के लिए मेडिटेशन ध्यान सबसे महत्वपूर्ण है। हर रोज आपको 15 मिनट तक रोज सुबह मेडिटेशन करना ही करना होगा। इसके साथ आप योगा, प्राणायाम, धारणा, जो दूसरे भी है उसका भी आप सहारा ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। रोज 45 मिनट्स तक एक्सरसाइज करने से भी टेंशन दूर होता है। पांचवा है, वर्तमान पर ध्यान दे और वर्तमान में जिए। भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, इसमें सिर्फ आपको वर्तमान काल पर ही ध्यान देना है। भविष्य की चिंता न करे, भूतकाल में जो गुजर गया है उस पर भी ध्यान न दे, तभी आपका कल जो है वो अच्छा जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको जो टेंशन आपको देती है चीजें, उस पर उससे ध्यान आपका पूरी तरह से हटाना पड़ेगा। जो नकारात्मक विचार है वो भी आपको हटाने पड़ेंगे। जो जिससे आपको टेंशन आता है उसे ढूंढ कर उसे आप अपने से दूर करें। आपको मानसिक तौर पर बहुत ही खंबीर होना पड़ेगा। छठा है, फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली एंड फ्रेंड्स सबसे महत्वपूर्ण है आपसे आपके मन में से निगेटिव विचार निकालने के लिए। आप क्या करें कि फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, फैमिली में घुल मिले, उनके साथ बाहर जाए, घूमने जाए। फ्रेंड्स को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स के साथ आप स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम बिताएंगे उतना ही आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और माय डॉक्टर साढ़वाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।